जो है वो है, जो है उसको बदलो मत पहली बात तो। उसका एडवांटेज देखो क्या है, डिसकनेक्टेड का एडवांटेज उसको एक ही मिलेगा कि इस एग्जाम में वो अच्छे मार्क्स ले लेगा, तो एक ही एडवांटेज है। पर वो मार्क्स आपको कोई पूछता है क्या? आप में से कितने लोगों ने मेरे को 10वीं का मार्कशीट भेजा और बोला कि मेरे को आपकी क्लास में आना है? आप सबने पेमेंट भेजा ना मुझको, नहीं आपने पूछा नहीं ना मार्कशीट। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, नोबडी आस्क्ड फॉर इट। एडमिशन का प्रोसेस था उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ मनी था। वही तो समझा रहा हूँ कि लाइफ में मार्क्स प्ले अ वेरी स्मॉल रोल इन योर लाइफ, वेरी स्मॉल रोल। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। तो आपका नजरिया इतना बड़ा होना चाहिए किसी को कंसल्ट करते समय कि आपने लाइफ को समझना चाहिए कि व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग इन लाइफ। तो आपका लाइफ का जब नजरिया ब्रॉड होता है, उस समय पे जब आपके नजर में कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, उस समय पे आप जो सोल्यूशन दोगे, आप जो सेशन दोगे, वो अच्छा होता है, वो करेक्ट होता है उसके लॉन्ग टर्म लाइफ के। जब आपका खुद का नजरिया शॉर्ट टर्म है, आप खुद ही छोटी छोटी चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, खुद ही छोटे छोटे चीजों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कई अभी आप में से कितने लोगों को लगता है कि अगर आपको 1000 लोगों ने न्यूड देख लिया तो वो बुरी बात है, 1000 लोगों ने आपको न्यूड देखना इज बैड थिंग? लॉट ऑफ पीपल विल एग्री, राइट? पर परदेश में जाओगे आप तो परदेश में इट्स स्मॉल थिंग, यू नो, पीपल गो ऑन न्यूड बीच कंफर्टेबली बिकॉज दिस बॉडी, एवरीबॉडी हैज, ऐसा इस बॉडी में क्या है जो सिर्फ आपके अकेले के पास और बाकी किसी ने कभी देखा ही नहीं है? कम ऑन, एवरीबॉडी हैज सीन और माइट बी दे हैव सीन बेटर बॉडी देन यू, एंड दे माइट नॉट बी क्रेविंग टू सी योर बॉडी एज वेल, बट दिस यू हैव दिस आई रिस्पेक्ट, ये आपका प्रॉब्लम है। कई लोगों को लगता है कि इंटरकास्ट मैरिज आर बैड, तो ये आपका प्रॉब्लम है। तो आप क्या करोगे, उसका सिग्नेचर चेंज नहीं करोगे, चेंज करोगे? अरे तू खुद का नाम मत लिख, तेरा इंटरकास्ट मैरिज होने की संभावना है। इट्स नॉट गुड और बैड, नथिंग गुड। आपको इसके लिए आपका जो पर्सपेक्टिव है वो ब्रॉड हो जाएगा, दैट इज द टाइम यू आर इन राइट पोजिशन टू गिव द रेमेडीज। तब आप कंसल्ट, तब आपको, आप उसको पूछोगे, पहला उसका लाइफ समझ के लोगे। किसी का तो एक मिनट चालू है स्पीकर, कैन यू म्यूट एवरीबॉडी? ओके, सो एट दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड, ओके दिस इज द लाइफ, इनके चैलेंजेस क्या है, उनका तकलीफ क्या है और उनका डिमांड क्या है। तो नॉट नेसेसरी यू विल रिकमेंड द डिमांड ऑल द टाइम। एंटरप्रेन्योर होने के लिए ना अलग माइंडसेट लगता है। अगर किसी को अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने का है तो उसको आप दे सकते हो, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का एडवांटेज क्या पता है, क्योंकि वो कम्युनिटी की ग्रेटर गुड्स के लिए काम करता है, तो उसका, उसको हम कुछ भी रिकमेंड करें इट्स गुड। जैसे आप लीडरशिप दे दो, हाई सेल्फ स्टीम दे दो, है ना, रिस्क टेकिंग एटीट्यूड दे दो लीडर, अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो दैट इज गुड फॉर एंटरप्रेन्योर। हाँ, हाई सेल्फ स्टीम, हाई गोल्स, कॉन्फिडेंस, रिस्क टेकिंग, तो वो अच्छा है, कम्युनिटी के लिए अच्छा है, उसके खुद के लिए भी अच्छा है। पर गुड मार्क्स हैड नो सिग्निफिकेंस, उससे अच्छा उसको लीडरशिप दो, उसका सेल्फ स्टीम बढ़ाओ। तो ये चीजों पे ज्यादा फोकस करो कि क्लाइंट क्या मांग रहा है, उसको बोल दो कि भाई ये मैं काम नहीं करता हूं, ये मैं आपको सिग्निफिकेंस, ये आपको मैं नहीं दूंगा, मैं आपको चाहिए तो मैं आपको लीडरशिप दे दूंगा, आपको कॉन्फिडेंस दे दूंगा, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ा के दे दूंगा। तो दिस इज हाउ यू शुड ट्रीट पीपल, जो कि उनको लॉन्ग टर्म में मदद करेगा, उसकी ओवरऑल लाइफ को मदद करेगा, ना कि शॉर्ट टर्म में छोटी चीज को मदद करेगा। ये अल्टीमेट सॉल्यूशन है सभी लोगों के लिए। इनिशिएटिव टेकिंग कैपेबिलिटी, लीडरशिप आ गया उसमें, टी क्रॉस बार उसमें, गोल्स आ गए, राइट मार्जिन ऑक्यूपाई करने के लिए बोलो उसमें, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और सिग्नेचर का साइज जो है अच्छा रखो, इसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये चार चीजों में एंटरप्रेन्योर का तो माइंडसेट कवर हो गया। अच्छा, जिसके पास इंटेलिजेंस नहीं है उसका इंटेलिजेंस बढ़ा के दो, ऑप्टिमिज्म बढ़ा के दो। एक्शन की कमी है तो देखो वो कौन सी प्रोफेशन में है। पता चला आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर को वो दे रहे हो और वो हर रोज बाहर जाके प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है, वो तो प्रोग्राम बनेगा नहीं ना। ये सपोज टू सिट एट वन प्लेस एंड डू द प्रोग्रामिंग, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के चक्कर में मत पड़ो। पर वही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आता है आपके पास, वो बोलता है कि आई वॉन्ट टू बी अ टेस्टर, तो टेस्टर को आपने वो लोअर जोन बढ़ा के दो, उसको अपर जोन निकाल दो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? टेस्टर जो है
टेस्टर में एग्जीक्यूशन ज्यादा होना चाहिए और प्रोग्रामर में थिंकिंग ज्यादा होना चाहिए। तो कई बार जो मेरे पास हैंडराइटिंग आता है और मैं हैंडराइटिंग देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि एफ का अपर जोन नहीं है, खाली लोअर जोन है, तो बोलता है यार यू आर अ वेरी गुड टेस्टर। बोलता है हाँ हाँ आई एम वेरी गुड टेस्टर, आई मीन टेस्टिंग ओनली, क्योंकि टेस्टर को ज्यादा एग्जीक्यूट करना रहता है। समझ रहे बात को आप? तो इस तरह का बैलेंस आप अगर अपने नजरिए में रखोगे तो योर थेरेपी विल बी गुड। तो अभी श्रीविद्या को पूछना पड़ेगा कि व्हाट शी वांट्स फर्स्ट एंड व्हाट शी हैज एक्सपीरियंस्ड अप टिल नाउ, उसके सपोर्ट में कौन कौन से फैक्टर है, उसका स्ट्रेंथ क्या है। श्रीविद्या का आज की डेट पे स्ट्रेंथ है बीइंग थॉटफुल,